विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीतापुर आई हॉस्पिटल स्थित सीआरसी के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पीएसी 26वीं वाहिनी बटालियन के सहायक सेनानायक निष्ठा उपाध्याय ने कहा कि महिलाओं को अपने घर के साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, इस समय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें विश्व में मानसिक स्वास्थ्य और उनका समाधान प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का लोगों की मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अवसर पर सीआरसी के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रवि कुमार, सुनीता पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरसी के कार्यक्रम समन्वयक राजेश कुमार ने कहा, कोई बाहर पार्क में नहीं जाना चाहता कि टाइम नहीं है भाई, सुबह सुबह उठो, घर के कामों में लग जाओ, बहुत सारे काम पार्क में जाएंगे तो हमें भी दिनचर्या में अगर जो कोई भी अगर जो प्रकृति के रूप में थोड़ा सा नहीं अटेंड हो पाता है तो हफ्ते में कम से कम 2 ही दिन आप जो भी नियरेस्ट पार्क हो उसमें आप जाएँ या प्रकृति के बीच में थोड़ा सा अच्छा फील होगा और मानसिक तौर पर आपकी स्वस्थ भी बनी रहेगी। ये सारी चीजें और रेगुलर व्यायाम के तौर पे आजकल देखा जाए तो भारत में बहुत सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप थोड़ा सा दिनचर्या को चेंज करें और व्यायाम एक्सरसाइज ये सारी चीजें रेगुलरली फॉलो करें, समय पे नींद लें, खान पान में सही रहें। तो ये सारी चीजें मानसिक बीमारियों से ग्रसित होने का बचाव है कि जो अपने परिवार को आप स्वस्थ रख सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है कहा गया है। इसी के तहत हम अपने को खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि, जो समय बीता है वो कोविड दौर था और कहीं ना कहीं कोविड दौर में जो लोग काम कर रहे थे, चाहे जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, वो पूरी तरह प्रभावित थे। एक बुरा दौर था और सभी ने झेला है और सबके मन मस्तिष्क पे कहीं ना कहीं इसका छाप छूटा है। क्योंकि मैं यहाँ डीएम कोविड कमांड सेंटर की नोडल थी और यहाँ पे हम लोग कई तरीके से कोविड बचाव उत्तरी इलाज पे काम कर रहे थे। यहाँ पे जैसे पहले तो हम लोग मरीजों को भर्ती कराते थे, फिर उनको जो होम आइसोलेशन पेशेंट रहते थे उनको होम आइसोलेशन की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, जैसे डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाता था, समय से 3 राउंड जाते थे विजिट पे, उनको दवा समय से दिलवाना, फिर घर सैनिटाइज कराना, ब्लड सैंपलिंग गोरखपुर जनपद की एक अच्छी पहल थी, हम लोग फर्स्ट फेज में स्टार्ट किए कि जो लोग होम आइसोलेशन में है उनका ब्लड सैंपलिंग जाके घर पे टीम करती थी, निःशुल्क होता था, इसकी प्रदेश स्तर पर काफी अच्छी सराहना भी मिली। तो ये सारे काम होते थे और उसके अलावा जो लोग पॉजिटिव हो जाते थे तो उनका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाता था, प्लाज्मा पे भी हम लोगों ने काम किया। उसके बावजूद हम लोगों ने महसूस किया कि जो पॉजिटिव होते थे वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को झेलते थे, उनका परिवार भी मानसिक तनाव को झेलता था। तो उसके लिए यहाँ से हम लोगों ने एक और अच्छी पहल की शुरुआत की कि जो लोग पॉजिटिव हुए थे और ठीक हो गए थे तो उनकी एक टीम हमने बनाई यहाँ पे और उन लोगों के माध्यम से टेली का भी करवाया जाता था, जो होम आइसोलेशन पेशेंट रहते थे उनकी सूची हम लोग प्रोवाइड करा। मैं राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर, आज के इस कार्यक्रम का कार्यक्रम समन्वयक होने के नाते सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आदरणीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर का कि आपके मार्गदर्शन में सीआरसी गोरखपुर नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। चूंकि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इस वजह से हमारे लिए यह दिवस बहुत ही खास है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से हम बेहतर बना पाएं। चूंकि आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की जो थीम पूरे विश्व में रखी गई है वो ये है कि असमान विश्व यानी कि असमान दुनिया में जो मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या है।
ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का जो मामले निकल के आ रहे हैं वो ज़्यादा क्यों निकल के आ रहे हैं? चूँकि इसका कारण है, कारण ये है कि कोविड-19 वैश्विक संक्रमण काल के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान लोगों ने गंभीर प्रकार का नकारात्मक चिंतन किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य को एक तरीके से क्षति पहुँची है। वो अवसाद का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, एक तरीके से उनको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आज का जो दिवस है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण जो विषय रखा गया है, मानसिक स्वास्थ्य एवं महिला, तो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सशक्तिकरण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके का घरेलू माहौल दे सकते हैं, या घरेलू कामकाजी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो किसी इस प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं तो उन समस्याओं से उनको निजात कैसे मिल सकती है, इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा की जा रही है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, सहायक सेना नायक 26वीं बटालियन PAC गोरखपुर, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राम सेवक यादव, पुलिस उपाधीक्षक PTS गोरखपुर, और साथ ही साथ डॉक्टर कृष्णा चटर्जी, श्रीमती सुनीता पटेल, डॉक्टर गरिमा सिंह, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग सेंट जोसेफ कॉलेज गोरखपुर।